हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम हिंदी में तरलता अनुपात कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ही हमारी करंट लायबिलिटी ड्यू होते ही करंट लायबिलिटी को पे करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। डियर फ्रेंड्स, जो लिक्विडिटी रेशियो है इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं करंट रेशो, जिसको हम हिंदी में चालू अनुपात बोलते हैं, चालू अनुपात। डियर फ्रेंड्स, लिक्विडिटी रेशो का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्विक रेशो, जिसको हम हिंदी में अति शीघ्र अनुपात कहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, लिक्विडिटी रेशो का जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेशो, जिसको हम हिंदी में निरपेक्ष तरलता अनुपात। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा करंट रेशो होता है, करंट रेशो का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है, लिख देता हूं मैं सूत्र, करंट रेशो में डिनोट करूंगा सीआर से, सी फॉर करंट, आर फॉर रेशो। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। डिफरेंस, आगे से हम करंट एसेट्स को सीए बोलेंगे और करंट लायबिलिटी को CL बोलेंगे। मींस CR करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद क्विक रेशियो का जो फार्मूला होता है, क्विक रेशियो क्यू फॉर क्विक, आर फॉर रेशियो, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आगे से हम जो क्विक रेशियो है उसको क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक को क्यू से और ए को ए से और करंट को सी से और लायबिलिटी को एल से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारा होता है एब्सोल्यूट रेशियो, जिसको हम कैश पोजीशन रेशियो भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम आगे से सीई अपॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो लिक्विड रेशियो है उसके तीनों के पार्ट, फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो, थर्ड एब्सोल्यूट रेशियो, जिसको हम कैश इक्विवेलेंट रेशियो भी बोलते हैं। उसके बाद जो ये फॉर्मूला है, कैश रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड एब्सोल्यूट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कैश इक्विवेलेंट अपॉन करंट लायबिलिटी। जो हमारा आइडल रेशियो होता है तो हमारा आइडल रेशो होता है करंट एसेट होता है 2:1, क्विक रेशो होता है 1:1, एंड एब्सोल्यूट रेशो या कैश इक्विवेलेंट जो रेशो होता है वो होता है डिफरेंस 0.5:1। हैं करंट रेशो की तरफ, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। डिफरेंस, अब इस करंट एसेट्स में कौन कौन सी आइटम शामिल होती है और करंट एसेट्स किन को बोलते हैं? डिफरेंस, करंट एसेट्स जिसको हम चालू संपत्तियां, उन संपत्तियों को बोलते हैं जो विद इन वन ईयर मींस एक साल के अंदर अंदर कैश में बदलने योग्य हैं, मींस ऐसी करंट एसेट्स जो विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्टेबल है उसको हम क्या बोलेंगे? डियर फ्रेंड्स, करंट एसेट्स। उसी प्रकार करंट लायबिलिटी डियर फ्रेंड्स उन लायबिलिटीज को बोलेंगे जो विद इन वन ईयर हमें पे करनी है, मींस ऐसी लायबिलिटी जिसको एक साल के अंदर अंदर हमें पे करना है उसको हम क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। आइए हम चलते हैं करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम शामिल होती हैं। करंट एसेट्स इक्वल टू कैश, बैंक, बीआर, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूर्ड इनकम, एक्यूर्ड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आइटम होती हैं, ये हमारी करंट एसेट्स में शामिल होती हैं। ये हम ऐसे लिखते हैं कि आधार करंट एसेट्स। अगर कोई करंट एसेट्स मींस अगर कोई ऐसी एसेट्स बच गई है जो विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट होने योग्य है, उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं हम करंट लायबिलिटीज, जिसको हम हिंदी बोलते हैं चालू दायित्व। करंट लायबिलिटी में फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक ओवर ड्राफ्ट प्लस बीपी बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्लस डिक्लेयर डिविडेंड। डियर फ्रेंड्स, ये जो आइटम होती हैं, ये होती है हमारी करंट एसेट्स, और ये जो आइटम होती हैं, ये होती है हमारी करंट लायबिलिटीज। डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, करंट एसेट्स वो संपत्तियां होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने योग्य है, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है जो एक साल के अंदर अंदर जिनको हमने पे करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं क्विक रेशियो की ओर। क्विक रेशियो, जैसा कि हमें पता है, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, ये जो करंट लायबिलिटी है, इसका तो हमने अध्ययन कर लिया, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब ये जो क्विक एसेट्स है, ये क्या होती है? डियर फ्रेंड्स, अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डियर फ्रेंड्स, अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दें, अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दें, तो जो रिमेनिंग आइटम्स होंगी डियर फ्रेंड्स, वो हमारी क्विक एसेट्स होंगी। मींस क्विक एसेट्स में क्या क्या होगा? कैश, बैंक, बीआर, डेटर्स, एक्यूर्ड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अदर करंट एसेट्स। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्विक रेशियो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इसका जो आइडल रेशियो होता है वो 1:1 होता है। डियर फ्रेंड्स, अब आइए हम चलते हैं कैश इक्विवेलेंट या एब्सोल्यूट रेशियो की तरफ। डियर फ्रेंड्स, अगर एब्सोल्यूट एसेट्स कौन सी होती है? एब्सोल्यूट एसेट्स या कैश इक्विवेलेंट डियर फ्रेंड्स, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, मींस कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको हमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज को वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। डिफरेंस मींस अगर हमें सिर्फ तीन आइटम्स को शामिल करें, कौन कौन सी? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। डिफरेंस अगर हम सिर्फ तीन ही आइटम्स को शामिल करते हैं, तो हमारी होती है एब्सोल्यूट एसेट्स, मींस कैश इक्विवेलेंट। और अगर हम कैश इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? कैश इक्विवेलेंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, ये जो आइडल रेशियो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, 0.5:1 होता है। डियर फ्रेंड्स, अब जो करंट एसेट्स होती है वो कौन सी होती है? डियर फ्रेंड्स,
करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट होने योग्य होती हैं। उसके बाद क्विक एसेट्स डिफरेंस, क्विक एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन थ्री मंथ, तीन महीने के अंदर अंदर, डियर फ्रेंड्स, जो तीन महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने योग्य होती हैं। उसके बाद हमारी कैश इक्विवेलेंट रेशियो, डियर फ्रेंड्स, कैश इक्विवेलेंट रेशियो एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि वो एसेट्स जो विद इन वन वीक कैश में कन्वर्ट होने योग्य होती है। मींस जैसे कैश हमारा ऑलरेडी कैश होता है, बैंक को हम कभी भी विद इन वन डे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हमें विद इन वन ईयर या एक दो तीन चार पांच छह सात मैक्सिमम सात दिन के अंदर हम इसमें उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की जो करंट एसेट्स है वो 4 लाख रुपए है। कितने डिफरेंस? करंट एसेट्स मान लीजिए किसी कंपनी की 4 लाख रुपए है और इसके जो करंट लायबिलिटीज हैं वो 1 लाख रुपए है। डियर फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें करंट एसेट्स दी हुई है 4 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी दी हुई है 1 लाख रुपए। उसके बाद ये जो कंपनी है इन्होंने 50,000 रुपए का उधार में माल खरीद दिया, परचेज ऑन क्रेडिट। तो डिफरेंस, जैसे ही आपको यह बताना है कि यदि कोई कंपनी जिसकी चालू संपत्तियां 4 लाख रुपए की हैं, चालू दायित्व 1 लाख रुपए की हैं, और अगर उसके बाद वो 50,000 रुपए का उधार माल खरीद ले तो जो रेशियो है करंट रेशियो में क्या चेंज होगा। डिफरेंस, ये हमारी जो करंट एसेट्स है, जैसे ही उधार में माल खरीदेंगे जो माल होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंटरी। अगर हम उधार में माल खरीदेंगे तो हमारा जो करंट एसेट्स है 50,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा, और हम उधार में माल खरीदेंगे मींस हमारे क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर परचेज 50,000 गुड्स ऑन क्रेडिट द न्यू करंट एसेट्स इक्वल टू कितने जाएगी डिफरेंस, 4 लाख रुपए और 50,000 रुपए, 4 लाख 50,000 रुपए, और हमारी जो करंट लायबिलिटी हो जाएगी डिफरेंस 1,50,000 रुपए, और हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डिफरेंस 3:1। डिफरेंस जैसा हमारा पहले रेशियो था, कब परचेज करने से पहले कितना था, 4 लाख रुपए डिवाइड बाय 1 लाख, हमारे से कितना था डिफरेंस 4:1। जैसे ही हमने उधार पे माल खरीदा हमारा रेशियो क्या हुआ फ्रेंड्स, डिक्रीज हो गया। मतलब यदि हम उधार पे माल खरीदते हैं तो हमारा रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल करते हैं। हमारी जो टोटल एसेट्स दी हुई है, टोटल एसेट्स 1 लाख रुपए एंड शेयर होल्डर फंड 50,000 रुपए, करंट लायबिलिटी 20,000 रुपए, और नॉन करंट एसेट्स दी हुई है फ्रेंड्स 50,000 रुपए। डिफरेंस जो शेयर होल्डर फंड है, सॉरी 60,000। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन से हम करंट रेशियो फाइंड आउट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो टोटल एसेट्स है बैलेंस शीट में होती है, ये मान लीजिए हमें बैलेंस शीट बना ली। जो करंट एसेट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स मीन्स टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों शामिल होती हैं। तो हमने इसका जो एड टोटल कर लिख दिया वो जैसा कि गिवन है 1 लाख रुपए। उसके बाद जो हमारी नॉन करंट एसेट्स कितनी है हमारी 50,000 रुपए दी हुई, तो हमने नॉन करंट एसेट्स कितनी लिख दी डिफरेंस 50,000 रुपए। देर सोचा हमारे जो टोटल एसेट्स है उसका जोड़ है 1 लाख रुपए और हमारी नॉन करंट एसेट्स है उसका
जो है वो है 50,000 रुपए की। मींस अगर हम टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो रिमेनिंग आएगा डिस्टेंस वो हमारा कितना आ जाएगा, करंट एसेट्स मींस 50,000। अब यहां पर जो हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है डिस्टेंस, उसमें मैक्सिमम 3 आइटम होती है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स अब जैसा कि आपको पता है बैलेंस शीट की दोनों साइडों का जो जोड़ है वो इक्वल होता है, तो यहां पर हम कितना लिखेंगे 1,00,000 रुपीज। उसके बाद यहां पर जो दिया हुआ शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड 60,000 रुपए, उसके बाद करंट लायबिलिटी 50,000 रुपए एंड नॉन करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 50,000 रुपए। डियर फ्रेंड्स जैसा कि अब हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना, क्या करना है करंट रेशियो, तो डियर फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, अब इस क्वेश्चन में जो है करंट एसेट्स हमारी कितने की है 50,000 रुपए की और करंट लायबिलिटी कितने की हमारी 20,000 रुपए की। हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे डियर फ्रेंड्स 2:1। डियर फ्रेंड्स अगर हम करंट रेशियो या कोई भी रेशियो निकालेंगे डिस्टेंस उसको हम टोटल भाग देंगे, जो ऊपर वाला उसको यहाँ पे लिखेंगे, नीचे वाला यहाँ पे लिखेंगे, 2×2=4, 1। और साथ में दी हुई है ट्रेड पेबल दिए हुए हैं 1,80,000 रुपए, ट्रेड पेबल। एंड डियर फ्रेंड्स अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी ड्यू स्टूडेंट्स 20,000। अब डियर फ्रेंड्स इससे हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। डियर फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी होता है। डियर फ्रेंड्स कार्यशील पूंजी बराबर है चालू संपत्तियों में से अगर हम चालू दायित्व घटा देंगे तो जो हमारा डिफरेंस आएगा डियर फ्रेंड्स वो आएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। डियर फ्रेंड्स तो यहां पर हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी दी है डियर फ्रेंड्स 6,00,000 रुपए की और हमारी करंट एसेट्स नहीं दी हुई डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसका यू का यू लिख देंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटी दी हुई डियर फ्रेंड्स, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 1,80,000 रुपए एंड अदर करंट लायबिलिटी 20,000 रुपए, मींस टोटल करंट लायबिलिटी हमारी कितनी होगी डियर फ्रेंड्स 2,00,000 रुपए। अब ये 2,00,000 रुपए यहाँ पर माइनस के इस तरफ आएंगे तो किस तरह हो जाएंगे प्लस के, मींस 6,00,000 प्लस 2,00,000, ये हमारे क्या आ गई करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी आ गई 8,00,000 रुपए और जैसा कि हमें पता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमने क्या कर लिया करंट एसेट्स निकाल लिया और करंट लायबिलिटी में दी हुई है तो हम क्या लिख देंगे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, मींस 8,00,000 रुपए डिवाइड बाय 2,00,000, जो रेशियो आएगा डिफरेंस वो क्या आएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे इसमें यहां पे दिया हुआ स्टूडेंट्स एक जो फर्म है उसकी जो करंट एसेट है डियर स्टूडेंट्स वो दी हुई है 2,00,000 रुपए। डियर स्टूडेंट करंट एसेट्स दी हुई है 2,00,000 रुपए और उसके बाद अब इन्होंने क्या कर लिया 40,000 रुपए का उधार पे माल खरीद लिया। डियर स्टूडेंट्स परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट। डियर फ्रेंड्स जैसे ही इस कंपनी ने 40,000 रुपए का उधार पे माल खरीदा तो इसका जो न्यू करंट रेशियो है, न्यू करंट रेशियो डियर फ्रेंड्स वो 2:1 हो गया। तो आप फाइंड आउट कीजिए कि कंपनी की परचेज करने से पहले कितनी करंट लायबिलिटी थी और परचेज करने से पहले कंपनी का जो करंट रेशियो है वो क्या है। डियर फ्रेंड्स ये देखिए ये यहां पे दिया हुआ है, लेट्स डिफरेंस करंट एसेट्स हमारी कितनी डिफरेंस 2,00,000 रुपए पहले थी, उसके बाद हमने क्या कर लिया डिफरेंस 40,000 रुपए को उधार में माल खरीद लिया, मीन उधार में माल खरीदा तो हमारे पास क्या क्या आया है स्टॉक आया है, स्टॉक आएगा तो हमारा जो करंट एसेट्स है वो क्या होगा डिफरेंस इंक्रीज होगा कितने से जितने का उधार में माल खरीदा है। डियर फ्रेंड्स
मान लीजिए कि हमारी लेट्स करंट लायबिलिटी कितनी थी डियर फ्रेंड्स, एक्स रुपीज। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स हमारी जो करंट लायबिलिटी थी उधार में माल खरीदने से पहले कितनी थी, एक्स रुपीज की। और अगर हम एक्स रुपए की करंट लायबिलिटी उधार में माल खरीदने से पहले थी, उसके बाद हमने 4000 रुपए को उधार में माल खरीद लिया डियर फ्रेंड्स, अब ये एक्स प्लस 40,000 जो अमाउंट आई है वो हमारी क्या आई डियर फ्रेंड्स, न्यू करंट लायबिलिटी। क्या है डियर फ्रेंड्स, न्यू करंट लायबिलिटी एक्स प्लस 40,000। और जैसे ही हमने डियर फ्रेंड्स 40,000 रुपए का उधार में माल खरीदा, हमारा रेशियो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, 2:1। तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2,40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000। उसके बाद फ्रेंड्स 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और इस 2 को हम 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 80,000। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है इसको हम इस तरफ लाएंगे, यहां पर ये 80,000 प्लस का, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2,40,000 रुपए माइनस 80,000 रुपए इक्वल टू 2x। अब डियर फ्रेंड्स अगर 2,40,000 में से 80,000 रुपए लेस करेंगे कितना हो जाएगा 1,60,000 रुपए। उसके बाद क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 2x, अब ये जो 2 है वो x के मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ये डिवाइड हो जाएगा, मींस 1,60,000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x। डियर फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी आ गई 80,000 रुपए, और x हमारा क्या था करंट लायबिलिटी, मींस हमारी पहले जो करंट लायबिलिटी थी डियर फ्रेंड्स वो कितनी थी 80,000 रुपए की, और अब न्यू करंट लायबिलिटी डियर फ्रेंड्स, न्यू करंट लायबिलिटी कितनी जाएगी डियर फ्रेंड्स 80,000 में क्या ऐड कर देंगे 40,000 रुपए, मींस 1,20,000 रुपए। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कंपनी का जो करंट रेशियो है 3:1 एंड क्विक रेशियो डिफरेंस क्विक रेशियो है वो 1:2:1 एंड वर्किंग कैपिटल दी हुई है डिफरेंस वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,80,000। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी है, करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। डियर फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, उसके बाद क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। डियर फ्रेंड्स ये देखिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी किसके इक्वल होता है, मींस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है डिफरेंस जी। उसके बाद हमारा तो डियर फ्रेंड्स अब याद यहां पर देखिए कि हमारी जो करंट एसेट्स है वो कितनी है 3, करंट लायबिलिटी डिफरेंस वो कितनी है 1, मीन्स अगर हमारी करंट एसेट्स 3 है और करंट लायबिलिटी 1 है तो वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी आएगी फ्रेंड्स 2। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अनुसार हमारी करंट रेशियो दी हुई है 3 एंड करंट जो लायबिलिटी वो दिया हुआ 1, और अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे डियर फ्रेंड्स, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को अगर हम घटाएंगे तो हमारा जो अंतर आएगा वो अंतर आएगा कार्यशील पूंजी, जिसको हम इंग्लिश में वर्किंग कैपिटल कहते हैं। डियर फ्रेंड्स अब हमारी करंट एसेट्स 3 थी, करंट लायबिलिटी 1 है, तो डिफरेंस कितना है 2, ये 2 क्या है डियर फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल। अब हम इस क्वेश्चन में इस प्रकार सॉल्व करते हैं कि इफ वर्किंग कैपिटल 2 देन करंट एसेट्स 3। डियर फ्रेंड्स यदि हमारी जो चालू संपत्ति है वो 2 है तो हमारा जो चालू संपत्ति है वो कितने डिफरेंस 3, मींस जैसे अगर हमारी वर्किंग कैपिटल 2 है तो चालू संपत्तियां 3, और यदि हमारी वर्किंग कैपिटल 1 है डिफरेंस तो हमारी जो चालू संपत्ति डिफरेंस कितनी हो जाएगी 3/2, और अगर हमारी वर्किंग कैपिटल डिफरेंस 1,80,000 रुपए डिफरेंस कितनी है 1,80,000, देन करंट एसेट्स इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 1,80,000 डिफरेंस। ये इस प्रकार
ये तो हमारी करंट एसेट आ गई डियर फ्रेंड्स 270,000 रुपए। अब इसकी सहायता से डियर फ्रेंड्स हम इनको सोल्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये दिया हुआ डियर फ्रेंड्स, कितना दिया हुआ है 3/1। डियर फ्रेंड्स अब हमने करंट एसेट फाइंड आउट कर लिया, कितने डियर फ्रेंड्स, और करंट लायबिलिटी का हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 270,000 एंड करंट लायबिलिटी इक्वल टू 270,000 डिवाइड बाय 3 मींस डियर फ्रेंड्स करंट लायबिलिटी इक्वल टू डियर फ्रेंड्स अब हमने करंट एसेट फाइंड आउट कर ली जो कि 270,000 रुपए आई है और करंट लायबिलिटी सॉरी अगर अब हमने करंट एसेट फाइंड आउट कर ली जो कि 270 आई है और करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर ली जो कि 90,000 रुपए आई है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब ये जो हमारी क्विक एसेट है अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स क्विक रेशियो ने दिया हुआ कितना है डियर फ्रेंड्स 1.2 जिसको हम 12/10 लिख सकते हैं और यहां पर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी क्योंकि क्विक एसेट दी हुई नहीं है हमने यहां पर लिख दी और करंट लायबिलिटी जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया डियर फ्रेंड्स निकाल दिया वो हम यहां पर लिख देंगे। डियर फ्रेंड्स अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 10 क्विक एसेट्स इक्वल टू 1,00,000 एंड क्विक एसेट्स इक्वल टू 10,80,000 डिवाइड बाय 10 मीन्स डियर फ्रेंड्स हमारी जो क्विक एसेट्स फाइंड आउट नहीं हुई है डिफरेंस वो 1,08,000। उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये था हमारा करंट एसेट्स का पार्ट वन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम जल्द ही इसका पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे। जय हिंद जय भारत।